हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. मैं लीना वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में. आज मैं आपको बताऊँगी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्ज़ाम. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट है, चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को. केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है. भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है. केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है. केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में है. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है. भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है. कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है. काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी भी है. टिक्का रोग का संबंध है मूंगफली से. ऑक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पौधे की वृद्धि मापने के लिए करते हैं. यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है. यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड्स के रूप में होता है. भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन हैं. सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. देश के कुल निर्यात में कृषि का योगदान 18% है. विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को. धान के फसल के लिए उत्तम वर्षा 150 सेंटीमीटर तथा उत्तम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है. चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई को रोकने से है. चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था. हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ. विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म RI-8 है. गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकस एस्टिभम है. गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है. गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण है. विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल गेहूं है. गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है. धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है. हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है. सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है. पंत जी 114 चना की प्रजाति है. देश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में माना जाता है. भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र कृषि है. फल संबंधी अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है. बौना पौधा उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं. सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी. कृत्रिम वर्षा का आधार प्रोपलीन ऑक्साइड गैस है. रोग ब्लास्ट का संबंध धान से है. कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है. अल्फांसो आम का एक प्रकार है जो कि सबसे महंगी प्रजाति है एक टाइप से अल्फांसो आम की. मशरूम एक फंजाई है. सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है. सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है. पूसा मेनेस्ट्री पपीता की एक प्रजाति है. भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम होता है. सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान द्वितीय है. पूसा मुक्ता पत्त गोभी का प्रमुख किस्म है. मिर्च में लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है. सरसों के तेल में कड़वाहट ग्लूकोसिलेट्स के कारण होती है. पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या 16 है. मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं था. सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है. सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता 40% होती है. गेहूं बोने का उपयुक्त समय नवंबर दिसंबर है. पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं. गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई थी. देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है. भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है.
देश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, लगभग 80%। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 46% भूभाग पर कृषि होती है। भारत की 14% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। देश में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान 22.1% है। मील्बग फसल सरसों से संबंधित है। प्रथम मानव निर्मित धान ट्रिटिकील है, जो गेहूं और राई का क्रॉस है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडचेरी 1984 में खोला गया। पहली कृषि गणना 1970 में की गई। नींबू में तांबा की कमी के कारण डायबैक रोग होता है। कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें।